आईआईटीएन डॉक्टर इंजीनियर या कुछ भी बनना है उससे पहले इंसान बनना है, ये तय करेंगे तो सब कुछ बन जाएंगे। जब आपकी अनुपस्थिति में आपका नाम लेकर के आपकी उपस्थिति को कोई दूसरा दर्शाता है, इससे बड़ा जीवन की कोई उपलब्धि नहीं है रहा आपके लिए। बड़े सोचने के कोई पैसे नहीं लगते रहे, छोटी सोच और पैर में मोच ये जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है। मैंने जब उस महिला की खोजबीन की, मेरी मां की कसम खा के कह रहा हूं, शुद्धता से यदि बात नहीं करूं तो ईश्वर मुझे जो शक्ति दी है वो छीन लेगा। मैंने उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि को टटोला तो उस गुदड़ी के लाल को पाल करके उसने आईआईटी बना दिया रे। मैं आपको कह रहा हूं बेटा, ईश्वर जितना आपसे छीनेगा उससे यदि आप कर्मशील रहोगे तो इसी जीवन में दुगना तो करके देगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं चश्मदीद हूं इस बात का। तो किस बात से डरना है यार? इमोशनल टारगेट, टारगेट नहीं इमोशनल टारगेट बना लो बेटा। फनी फनी आपका टारगेट प्राप्त होगा आपको। इंजॉय करते करते जीवन में कठिनाइयों का सामना करने में भी मजा आता है। उसको तो पूरा मजा आ गया, वो टेंशन में नहीं आएगा जिंदगी में। देखो देख मैं बता देता हूं, जो अभी बोला ना जोर से पकड़ गया मेरी बात को, तू पकड़ गया। वो कहते ना जैसे, वैसे मन गया मेरा तो वैलेंटाइन डे यार आज तेरे साथ। चलो मुझे इस बात की गारंटी दे सकते हो ना, जितने विद्यार्थी बैठे हाथ खड़ा करके, जीवन में कुछ पाए या खोए, किसी मोड़ पे मिले या नहीं मिले, लेकिन ये व्यक्ति ये विद्यार्थी कभी जीवन में डिप्रेशन में नहीं आएंगे। हाथ खड़ा करो मेरे साथ, जिंदगी में, जिंदगी में डिप्रेशन में नहीं आएंगे। कोई भी स्थिति परिस्थिति आ जाए बेटा, नंबर कम आ गए ज्यादा आ गए बढ़िया हो गया। सर से निवेदन करूंगा कि टीम के साथ मां सरस्वती का दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम के विधिवत शुरुआत की जाएगी। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। कुछ बातें आपको बता दी जाए, सर का मोटिवेशनल स्पीच होगा, किस प्रकार से बच्चा सीकर में आने के बाद में हाइट तक पहुंचता है, कौन कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और जहां परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वहां बाहर कैसे निकलता है। इन केस अपना जो नवजीवन स्कूल ग्रुप है, उस ग्रुप से बहुत सारे बच्चे आईएएस हैं, बहुत से बच्चे आरएएस हैं, और आईटी तो आप देख ही रहे हो। तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि वो बच्चों को, कुछ बच्चे इस प्रकार के हैं जिनका सिलेबस मिड में चल रहा है, कुछ बच्चे इस प्रकार के हैं जिनका सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है, कुछ बच्चे इस प्रकार का हैं जिनका सिलेबस जनवरी 20 तक कंप्लीट होने वाले हैं। इसी बीच में एक बात, एक इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, कौटिल्य आईआईटी एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने सिलेबस को शॉर्ट नहीं किया है। शॉर्टिंग करना जानते हो आप? कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर सिलेबस तो कंप्लीट होता है,
बट उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। ये पहला कोचिंग स्टूडेंट सीकर के अंदर जिसके अंदर सिलेबस बिना शॉर्ट के टाइम से कंप्लीट कर दिया गया है ट्वेल्थ क्लास। और टारगेट का जो बैच है उस टारगेट वाले बैच के लिए 20 जनवरी तक का शेड्यूल बना हुआ है। 20 जनवरी तक हम हाउ एनी किसी भी प्रकार से आपका सिलेबस एंड करेंगे बिना शॉर्टिंग के। पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर सुबह 8 बजे से लेके रात को जब तक क्लासेज एंड नहीं होती हैं तब तक आपको डाउट काउंटर पे टीचर अवेलेबल मिलते हैं। आप खुद अपने आप से पूछ लीजिएगा, खुद को पता इस बात का। पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा कि जिसके अंदर हर एक बच्चे को प्रॉब्लम, यदि किसी ने किसी को भी प्रॉब्लम किसी भी स्टाफ से किसी मुझसे या नॉन टीचिंग स्टाफ से कोई प्रॉब्लम बताई हो, वो चाहे खाने से रिलेटेड हो, बस की हो, स्टाफ कोचिंग की हो या किसी प्रकार पढ़ाई संबंधित हो, और उसको 24 आवर्स के अंदर शूट आउट किया गया है। पहला कोचिंग स्टूडेंट है, हर बच्चे की प्रॉब्लम को सुनी जाती है और यदि बड़ी प्रॉब्लम है तो बैठ के उस पर विचार किया जाता है कि किस प्रकार से उसको शूट आउट किया जाए। पिछले दिनों कुछ बच्चे कि हमारा सिलेबस F1 और F1 बैच जो चल रहा है टारगेट का, आपके साथी जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और सेम डेट पे एडमिशन लिया है, पूछ लेना बेटा उनका सिलेबस कहां है और आप कहां चल रहे हो। F2 और FE2 बैच के जो बच्चे हैं वो पूछ लीजिएगा अपने वो साथी, उन साथियों से जिन्होंने अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट एडमिशन लिया है और उनका सिलेबस कहां चल रहा है। सिलेबस करवाना और विथ रेस्पॉन्स सिलेबस को करवाना दोनों फर्क है। सिलेबस कराना घास काटना हर कोई काट सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे यहाँ अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट से आए हुए बैठे हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा वो मन में सोच सकते हैं या फिर सब कुछ फील करते हैं कि हम उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब पढ़ते थे उस टाइम पे हमारे सिलेबस की क्या कंडीशन थी और किस प्रकार से कराया जाता था, और प्रेजेंट टाइम पर जब वो कोटली IIT अकेडमी में पढ़ रहे हैं तो सिलेबस किस प्रकार से कराया गया है, ये उनसे पूछ लीजिएगा या फिर आप अपना जो साथी पढ़ रहा है उससे डिस्कस कर सकते हैं। ये खासियत है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की कि जब आप चाहें आपको जब कहेंगे कि साहब डाउट काउंटर मुझे टीचर अवेलेबल मिलना चाहिए, मिलता है। हमने कमिटमेंट किया था, मिलता है। आपने कहा सर हमारा सिलेबस इस कंडीशन में कंप्लीट होना चाहिए, हो रहा है, हुआ है 12वीं क्लास का, और कल से 12वीं क्लास की बोर्ड की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जो टाइम टेबल अभी मिल जाएगा आपको। एक तरफ 12वीं क्लास की जो RTS चल रही है और दूसरा जो है बोर्ड की क्लासेज जो कमिटमेंट किया था, क्योंकि 75% मिनिमम क्राइटेरिया है वो कंप्लीट करना ही होता है। तो मैं सर से निवेदन करूंगा, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, कि बच्चों को आने वाले 2 या 3 महीने तक वो मोटिवेट रहे, कुछ इस प्रकार के मोटिवेशन दें। थैंक यू। आज की सेमिनार के कुछ उद्देश्य अलग हैं जो अपन हर बार करते हैं, उसमें किलाने जी और आप सब लोगों के श्रद्धा जिनमें रहती है वो टीचर्स ने बात की, तो उसमें फंड डे को इन्वॉल्वमेंट किया है। निश्चित रूप से दोनों के कम्बिनेशन के साथ जीवन को जीने की कला और जीवन के टारगेट को पूरा करने का उद्देश्य, इन दोनों बातों को साइमल्टेनियसली अपन सीखने का प्रयास करेंगे। बेटा मैं 25 से 30 मिनट बोलूँगा, आप मैं आपसे आशा रखता हूं कि पूरे मनोयोग से आप सुने, निश्चित रूप से आपके जीवन में काम आएगा। आज की सेमिनार में कोटला IIT टीम के मैनेजमेंट हेड किलानिया जी, मेरे स्टाफ के सभी साथी जो अपना पूरा योगदान आप लोगों को तराशने में देते हैं, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, मेरी पूरी श्रद्धा है इन लोगों में, और इन लोगों में आपकी श्रद्धा है। यूं कहूं कि आपकी श्रद्धा यदि इस सिस्टम में है तो इसके बीच के सेतु ये हैं, और ये अपना काम पूरी बखूबी निभाते हैं। और प्यारे बच्चों, आज अपन अलग अलग विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई पर, कि इग्नोर करना नहीं सीखते अपन, भूलना नहीं सीखते एक विद्यार्थी। उन सब विषयों में से यदि अपन बात करें कि जीवन तो चलता जाएगा, निरंतर रूप से चलता है, लेकिन बातों को इग्नोर करना अपन नहीं समझ पाते हैं, कौन सी बात को इग्नोर करना है, कौन सी बात को इग्नोर नहीं करना है, ये जीवन की सबसे पहली लड़ाई है, क्योंकि उससे आपके मस्तिष्क का वजन बढ़ जाता है। इस बात को सिंपल एग्जाम्पल से यदि मैं समझाऊं,
तो आपने कभी ट्रेन में यात्रा की है? क्या वजन तोला जाता आपका? नहीं तोला जाता। आपके साथ कितना वजन है? नहीं तोला जाता। टैक्सी में यात्रा की है, वजन तोला जाता है आपका? कभी नहीं तोला जाता। लेकिन जब जहाज में आपको यात्रा करनी है, प्लेन में उड़ना है, तो सबसे पहले क्या तोला जाता है? आपका वजन तोला जाता है। जितनी ऊंचाई पे उड़ना है उतना ही हल्का होना पड़ेगा बेटा जीवन में। ये समस्या हर एक व्यक्ति के साथ है। किन चीजों में आपको अपने जीवन में इन्वॉल्वमेंट दिखाना है, किन चीजों में आपका जीवन में इन्वॉल्वमेंट का कोई सार्थकता नहीं है, इस चीज को तय करना पड़ेगा। इसको तय करने से के लिए बस आपका खुद का आंकलन और आपकी सोच का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि आप ये समझ लो कि आगे बढ़ने के लिए हल्का होना जरूरी है। ये मस्तिष्क आपका जितना हल्का होगा उतना आप आगे बढ़ेंगे। मेरी पहली सीख पूरी हुई? आप मेरी बात से सहमत है? क्योंकि आज अपन बातों को मिक्स नहीं करेंगे यार, आप आज अलग बात करेंगे। जिंदगी में इस बात के ऊपर कि यार ये चीज मेरे काम की है या नहीं है, इसको मैं सुनूं या नहीं सुनूं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, घर के अंदर हजारों बातें चलती हैं, क्या आपका सब में इन्वॉल्वमेंट जरूरी है या नहीं है? जरूरी है? नहीं है ना? नहीं है। जो चीज आपके बस में नहीं है, जिस चीज से को आप बदल नहीं सकते, आप उसको इग्नोर कर दो। जो व्यक्ति जीवन में आपके साथ है, आपकी बात मानता है तो ठीक है, आप अपने एक्सरे मशीन से आप इसकी स्कैनिंग कीजिए। जीवन में जिस व्यक्ति की स्कैनिंग मशीन अच्छी है उसको कोई हरा नहीं सकता। सबसे पहला उद्देश्य आपका जीवन में यदि कोई है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यदि सबसे पहली सीख जो है वो यह है कि उस तक पहुंचने के लिए इग्नोर करना पड़ेगा। हर जगह इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब है यार? आप जीवन में क्यों अपना इफेक्ट खराब करते हैं? सीखे बात को, इसका एग्जांपल, हल्का होना बड़ा उड़ने के लिए जरूरी है। चलने के लिए हल्का होना जरूरी नहीं है। ट्रेन चलती है, उसमें कितना वजन है इसका कोई मूल्य नहीं है। आपको ईमानदारी के साथ यह काम करना पड़ेगा। एक बात कंप्लीट हुई? समझ में आई? कोई बात क्रॉस क्वेश्चन करें? मैं बता रहा हूं, 10 बात सीखेंगे, 10 बात आपका यदि टारगेट आपको नहीं पकड़ा देती है, 10 बात आपके जीवन की वो समस्याओं को नहीं निपटा देती है जिनसे आप कभी कभी तनाव शब्द को काम में लेते हैं, कभी अपना मूल्यांकन छोटा कर लेते हैं, ऐसा नहीं करने देंगे अपन। दूसरा, खुद पर नियंत्रण करना सीख जाएं। इसको साइकोलॉजी की भाषा में बोलते हैं बेटा अक्रेशिया। खुद पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसका एग्जांपल दूं मैं आपको, 90% लोग इस धरती पे यहां से नीचे वाले हिस्से से काम करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? और वो इस हिस्से से काम करते हैं, कमाते हैं और इसी को इस हिस्से को दे देते हैं। कचौरा खा लिया, समोसा खा लिया, मस्त है, पेट भरा लिया। समझ रहे हो मेरी बात? इस धरती पे लोग यहां से 10%, इसके ऊपर वाले हिस्से से 10%, इसको इससे ताकत लगा करके 90% लोग काम करते हैं। देख लो आप, आपकी नजरें दौड़ाओ, इतनी समझ तो है ना। आज अपन विषय को अलग अलग करते हुए बात करेंगे, करते हैं ना। लेकिन एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट कहां से काम करता है? ऊपर वाले हिस्से से काम करता है। इसकी खुराक बहुत कम है यार, इसके लिए चिंतन सही रखना पड़ता है बस। और इसके लिए जब कमाना शुरू कर देंगे तो इसके लिए शाम को जरूरी होता है, इसको सिर्फ शाम को ही चाहिए। शाम को इस पेट में कुछ कचौरा समोसा चाहिए ना, है ना? और इसको सही रखोगे तो इसकी खुराक बहुत कम है। आप चिंतन सही रखते जाओ, आपकी सोच का ऑक्सीजन इसको सही देते जाओ, ये चलता जाता है और आपका जीवन बना देता है।
और इस पे यदि नियंत्रण करना सीख गए तो डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट ये तो क्या है, आप जीवन में ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसकी आपने खुद ने कल्पना नहीं की होगी। उसके बाद क्या होता है, खुद पे नियंत्रण कर लेते हैं। तो इसके बाद ध्यान से सुन लो रे, हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने यहां पर कोई अपना एक उद्देश्य और एक दायित्व देकर के भेजा है। वो व्यक्ति फिर उन उद्देश्यों की, उन दायित्वों की पूर्ति के लिए लग जाता है। और यदि यहां से नहीं सोचना शुरू किया तो आपके जीवन में अतृप्ति अतृप्ति रहेगी, इसकी भूख तो और बढ़ेगी। आज कचौड़ा समोसा का है, कल आपको काजू कतली की भूख बढ़ेगी, है ना? नहीं समझेगा? नीचे वाले से कमाएंगे तो नीचे वाला ही सोचेगा ना, का आज मैंने 50 रुपए कमाए तो कचौड़ा समोसा खा लेता हूं, आज मैंने 100 रुपए कमाए तो काजू कतली खा लेता हूं, आज मैंने 200 रुपए कमाए तो कुछ और देखता हूं मैं। यार बात मेरी सही है ना बेटा, है ना? तो खुद पर नियंत्रण करना सीख जाए, आप में अतृप्ति नहीं आएगी। अतृप्ति एक ऐसा शब्द, अतृप्ति समझ रहे हो ना, अनसेटिस्फेक्शन, ये हमेशा आपके जीवन में प्राप्त सुखों को जला के राख कर देता है। और ये तब आती है जब आपका खुद पे कंट्रोल नहीं होता है, आप में अक्रेशिया की बीमारी होती है, आपका सिस्टमेटिक व्यवस्थित साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट नहीं होता है। और जिस दिन साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट आपका सही हो गया, आपका आपको ईश्वर का दिया हुआ उद्देश्य सामने आने लग जाता है। दूसरी बात, स्टेप क्लियर। दूसरा काम क्या करेंगे, देखते हैं यार क्या आईआईटी अपन 10 बातों को सोच के देखते हैं अपने में कैसे डिप्रेशन आता है, देखते हैं तुम लोगों को देखो कितना कह रखा है यार, कोचिंग करने वाले बच्चे ऐसे हैं, इन पे ध्यान रखो भाई। अरे इनके पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको अपना सोच बढ़ाने की जरूरत है। चैलेंजेस हर व्यक्ति के पास है, क्या चुनौतियां, जिसने चुनौती का सामना नहीं किया इस धरती पे आकर के कुछ किया क्या। तीसरे शब्द पे आता हूं मैं, चुनौतियों का सामना करना, ये आपको आना चाहिए। हवाई जहाज का आविष्कार किया, मैं बार बार बताऊं, राइट ब्रदर्स, चुनौतियां नहीं थी क्या उनको? तो ये कहा गया जब उन्होंने कहा कि लोहे की तस्करी है इसको उड़ाएंगे, उस समय नाम दिया गया, ये एग्जाम्पल तो मैं कॉमन एग्जाम्पल देता हूं। उसने सब लोगों ने कहा नहीं उड़ेगी, लोहे की तस्करी हवा में उड़ सकती है क्या? लोहा नहीं उड़ सकता। उन्होंने प्रैक्टिकली लोगों को इकट्ठा करके समझाया बाहर, तो जो लोग खड़े थे बैरिकेड के चारों तरफ और वो अपना एक्सपेरिमेंट दे रहे थे हवाई जहाज को उड़ाने का, जिसको लोहे की तस्करी कहा था, जैसे ही वो उड़ना शुरू हुई तो उड़ गई, तो लोगों ने कहा कि, पहले तो बोले नहीं उड़ेगी, जैसे ही उड़ना शुरू हुई लोगों ने कहा अब नहीं रुकेगी। तो चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना आपने? नेपोलियन बोनापार्ट को मैंने पूरा पढ़ा है, वो ऐसा जिद्दी और जुनूनी इंसान थे। नेपोलियन बोनापार्ट अल्पास पर्वत को फतेह करने की सोच ली, अल्पास पर्वत को फतेह करूंगा, अल्पास अपने आप में अल्पास है, कोई जिंदा बचा ही नहीं। जब वो एक मिशन पे जा रहे थे, ध्यान से सुनना, तीसरे मुद्दे पे आ रहा हूं मैं, चुनौतियों के चैलेंजेस हमेशा स्वीकार करो, काहे का टेंशन है, एक चैलेंज है। किस चीज के लिए सोचते हो कि मेरे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा? यदि नेपोलियन बोनापार्ट यदि ऐसा ही सोचते तो क्या अल्पास पर्वत के बारे में सोचना उनके लिए जरूरी था क्या भाई? तो यार जब आप अपने टारगेट को बड़ा करेंगे तो चैलेंजेज आएंगे, टेंशन फ्री रहो। वो जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में एक बुढ़िया मिली, उसने कहा बेटा जिंदा नहीं आ पाएगा और तू ये बहुत बड़ी चुनौती है, इसका सामना नहीं कर पाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट अपने गले में एक माला रखते थे, उन्होंने वो माला निकाली और उस बुढ़िया के गले में डाल दिया, बोले इसको संभाल के रखना, मैं लौट के आया तो मेरा स्वागत कोई करने वाला मिले या नहीं मिले, तेरे पास कुछ हो या नहीं हो, ये माला मेरे गले में वापस डाल देना ताकि मुझे लगे कि मैं चैलेंज को जीत के आ गया।
चिंतन कैसा है ये आप पे निर्भर करता है। एक कहानी और सुनाता हूं चुनौती पे। एक व्यक्ति था जो मर गया। मरने के बाद भगवान के पास गया। उसने कहा यार भगवान से कभी मौका मिल गया, कोई भगवान अकेले बैठे थे उसको मौका मिल गया तो चिपते चिपते भगवान के पास चला गया। जाकर के उसने पूछा कि भगवान यार तू तो बहुत बेकार आदमी है। बोलो कैसे? यार तू भला नहीं सोचता है। बोलो कैसे? तेरे को जब सब पता है, तेरे हाथ में सब कंट्रोल है कि तेरे को बरसात कहां करनी है, तेरे को इस बात का पता कि बरसात इस सीजन में करने से नुकसान होता क्यों करता है तू, तेरे को ये पता कि अब धूप डालने से फसल का नुकसान होता किसानों को क्यों करता है तू ये काम, ओले नहीं गिरने उस समय तू ओले डाल देता है क्यों करता है, कंट्रोल तेरे पास है। पानी इतना डालता कि बाढ़ आ जाती है भाई क्यों लाता है तू बाढ़, लोग डूबते कैसे, ये काम करता क्यों, तू बेकार आदमी है, ये तेरा कंट्रोलिंग मशीन मुझे दे, एक दो दिन मुझे चलाने दे, एक सीजन में मुझे चलाने दे इसको। भगवान ने कहा तू कर ले, कहा नहीं है, दे दिया कंट्रोल करके। फसल किसान ने बोई, इतनी बरसात करनी है टप कर दी, फिर इतने दिन धूप डालनी है टप डाल दी, फिर इतने दिन के बाद यह करना पूरा कर दिया। फसल लहला रही थी, वो मन ही मन खुश हो रहा था कि गाड़ी चलाना भगवान को मैं सिखाऊंगा कैसे चलाई जाती है, कंट्रोलिंग पावर देख तेरी, तू सृष्टि की गाड़ी चला रहा है वो सही तरीके से नहीं चला रहा। फसल लहरा रही, वो ऊपर से देख रहा भगवान की एक्सरे मशीन से, किसान जब फसल को काट रहा था उसमें एक दाना नहीं। उसने कहा भगवान ये क्या हुआ, फसल तो बहुत जोरदार पकी थी लहरा रही थी, दाना कैसे नहीं मिला किसान को। बोले यही है, उन हवाओं का जो चल रही थी उनका मुकाबला कैसे करे ये चुनौती इसको तूने दी नहीं यार। वो कड़वी धूप जब आए तो ये अपने आप को कैसे बचाए, वो कड़वी सर्दी पड़े तो ये फसल अपने आप को कैसे बचाए, वो चुनौतियां दी नहीं तो इसमें से कुछ अंकुरित ही नहीं हुआ। आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, यदि चुनौतियों का सामना नहीं करोगे तो आपके अंदर से कुछ भी अंकुरित नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कुछ? तो फिर क्यों घबराते हो रे, छोटी समस्या से क्यों टेंशन में आ जाता है कोई विद्यार्थी कोई व्यक्ति? आपके बात समझ में आ रही है मेरी? चलो कितने विषय पे बात कर ली अब तक अपने? तीन। पहला इग्नोर करना सीखें, दूसरा खुद पे नियंत्रण सेल्फ डिसिप्लिन, तीसरा चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, चौथा चौथे बिंदु पे आ रहे हैं। कोई आपसे पूछे कि मैं आईआईटी बनना चाहता हूं, आप से यदि क्रॉस क्वेश्चन कर ले कि क्यों बनना चाहते हो, बस बनना चाहता हूं बन के दिखूंगा, तो आप उसको कहे कि मेरे मां बाप के आंखों में ये सपना है, उनको मैं ये भेंट देना चाहता हूं, उनको मैं गिफ्ट देना चाहता हूं। मजा आया कि नहीं आया बात का? आया ना? टारगेट तो दोनों में है, लक्ष्य तो दोनों में है, लेकिन एक केवल लक्ष्य है एक भावुक लक्ष्य है, एक केवल टारगेट है और एक इमोशनल टारगेट है। मैं मर्सिडीज गाड़ी खरीदना चाहता हूं, क्यों खरीदना चाहता है भाई? मेरी माता पिता को उसमें बिठा करके सबसे पहले यार मैं सालासर के मंदिर में जाके आऊं, ये मेरा टारगेट है। आपका गोल जीवन में हमेशा भावुक होना चाहिए रे। इस चीज को खोलने के लिए मेरा, इस चीज को यहां तक लाने के लिए, नवजीवन को यहां तक लाने के लिए मेरा इमोशनल टारगेट था कि मुझे कुछ करना है। क्यों करना है? टारगेट इमोशनल था,
कि मैं जैसा था वैसे बच्चों की मदद कर पाऊं। ऐसा नहीं कि बैलेंस या कोई काम मेरे पास ये हो वो हो उसके लिए किया। मेरा सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किया है क्योंकि मैंने जीवन में इस इमोशनल टारगेट को पाया बन पाया और उसका रिजल्ट यह है कि मैं आपके सामने बोलने लायक बन गया। कम से कम आपका दिशा निर्देशन देने का ईश्वर ने मुझे कुछ विद्यार्थियों को दिशा निर्देशन दिया आगे बढ़ाने का मुझे और कुछ विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य तक पहुंचाने का मुझे मौका दिया। चौथा विषय समझ में आया क्योंकि आज मुझे किलानिया जी ने सुबह ही कहा था लेकिन आज मैं बहुत व्यस्त रहा। मैंने कहा आज उन्होंने कहा आज इस तरह से बच्चों को मोटिवेट करना है कि उनके समझ में आए। मैंने कहा मैं भी अब करत करत अभ्यास के सुजमति होत अभ्यास के वो कहते हैं ना कि एक पत्थर पे जड़मति होत सुजान। सर ने बताया चार बात पूरी हुई बेटा पांचवी और भी इंपॉर्टेंट है नेगेटिविटी। नेगेटिव आदमी के साथ जिंदगी मत बिता देना रहे बेटा। नेगेटिव आदमी चाहे वो मित्र हो चाहे और हो परिवार का सदस्य दूर रहा करो क्योंकि नेगेटिव व्यक्ति ब्लड कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बहुत खतरनाक होता है। या दो तरह की बात करूं एक तो पेसिमिस्ट प्रकार के लोग होते हैं एक ऑप्टिमिस्ट प्रकार के लोग होते हैं। पेसिमिस्ट वो व्यक्तित्व होती है वो पर्सनैलिटी होती है जीवन में जिनको यदि आप दूध या शहद के समुद्र में भी भेज दें तो वो एक लोटा भी भर के नहीं लाएंगे खाली हाथ आएंगे। क्या सोच अरे ब्लड शुगर हो जाएगा इसे शुगर आ जाएगा बहरा हो जाएगा खाली हाथ आते हैं। ऑप्टिमिस्ट आदमी पॉजिटिव होते हैं वो हमेशा अच्छा सोचते हैं। कहानी सुनाओ एक राजा थे राजा के दरबार में एक मित्र थे वो मंत्री भी थे तो मंत्री होता तो उससे सलाह लेता राजा हर काम में तो सलाह लेते थे। वो ऑप्टिमिस्ट था वो व्यक्ति हमेशा वो मंत्री हमेशा राजा को कहता एक ही उसका तकिया कलाम था बढ़िया हो गया बढ़िया होगा। राजा कोई भी काम करते राजा जी बढ़िया हो गया राजा कोई भी काम करते राजा जी बढ़िया हो गया। एक दिन राजा तलवार साफ कर रहे थे और राजा के हाथ से वो तलवार छूट गई और राजा का आधा अंगूठा कट गया। बोला क्या हुआ बोले राजा जी बढ़िया हो गया। अरे बोलो नालायक ये भी बढ़िया हो गया तो खराब बात। राजा ने आदेश दिए उसको जेल में डलवा दिया इसको जेल में डलवा जेल में डलवा। ये तो मूर्ख जबर मूर्ख आदमी मेरे मंत्रिमंडल में और है ये मरवा देगा कहीं बढ़िया हो गया करके। फिर एक दिन वो तो जेल में था राजा शिकार के लिए जा रहे थे शिकार के लिए गए जंगल में बहुत दूर तक चले गए अकेले थे क्योंकि उनका मित्र जो था वो तो जेल में था। आदिवासियों ने पकड़ लिया पकड़ के हु होलो 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 आदिवासियों को देखा ना पिक्चर में अलग ही भाषा होती है उनकी हु होला 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 ऐसे करके राजा को मंदिर में बलि देने के लिए ले गए। राजा को नहला दिया आदिवासियों ने देवी के सामने बोला दे तब एक बोलने लगा हु हुला समझ में नहीं आया। उसने यह समझाया कि अंगूठा कटा हुआ है और ऐसा मान्यता है कि अपूर्ण बलि देवी स्वीकार नहीं करती है यह अपूर्ण है उनकी भाषा में उन्होंने कहा अपूर्ण बलि नहीं दी जाती। तो आदिवासी ने उनको छोड़ दिया वो वापिस आ गया। वापिस आया तो उसने सोचा कि यार उस दिन ये अंगूठा नहीं कटता तो अब आज तो अपनी बलि लग जाती। वो आते वक्त अपने मित्र से मिलके आया जेल में गया बोलो यार तूने वो कहा था वो अंगूठा कटा उस दिन कहा था कि बढ़िया हो गया तो वो वास्तव में बढ़िया हो गया आदमी बच गया।
तू ये बता, मेरे साथ तो बढ़िया हो गया उस दिन, लेकिन तेरे साथ तो बुरा हुआ, तू तो जेल में है। बोले राजा जी मेरे साथ भी बढ़िया हो गया। बोले कैसे? यदि मैं बाहर होता तो आपके साथ कौन जाता? आपके पास आपके साथ कौन जाता? बोले तू जाता और मैं पूर्ण और आप अपूर्ण। बलि किसकी लगती? बोले तेरी। तो बोले मेरे साथ भी बढ़िया हो गया। चौथी बात, कोई भी स्थिति परिस्थिति आ जाए बेटा, नंबर कम आ गए ज्यादा आ गए बढ़िया हो गया। समझ गए? गुरुजी ने डुक लगा दिया, बढ़िया हो गया यार, बाहर निकाल दिया क्लास से, बढ़िया हो गया। तो आज से चौथी बात क्या सीख गए? बढ़िया हो गया। नंबर ज्यादा आ गए बढ़िया हो गया, कम आ गए बढ़िया हो गया। ये जीवन का किसी को कुछ पता नहीं है, इसलिए एक विद्यार्थी को कभी भी नेगेटिव सेंस में नहीं आना चाहिए। मम्मी ने इमोशनल डांट दिया, रो रहे हो मेरे को ऐसे कैसे कह दिया? अरे बुखार हो गई, क्या पता उस समय आपकी बॉडी में कौन सी नेगेटिव सेंस पनपना चाह रही थी, और बुखार इसलिए हुई कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा और उनको खा रही है, कुछ तो बढ़िया हुआ। और ऐसे ऐसे तो मजे हो गए, दो दिन क्लास नहीं जाना पड़ा, बढ़िया हो गया। तो राजा वाली कहानी से डिप्रेशन का काम, ये मेरे सामने वाला कोटिले का एक एक विद्यार्थी कभी भी जीवन में इस सब से लड़ सकता है ना आगे भी जीवन में? बढ़िया हो गया। बस चीजें जैसी दिखती हैं जीवन में वो है नहीं। नेगेटिविटी में क्या होता है कि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनको कैसे देखते हैं। आज कितनी बातों पे बात की, पहला कितनी होगी? सुनो, पहला इग्नोर करना सीखें, दूसरा खुद पे नियंत्रण, तीसरा चुनौती चैलेंजेस को स्वीकार करें, चौथा टारगेट नहीं इमोशनल टारगेट। इमोशनल टारगेट का अपना मजा होता है यार, अपनों के लिए गिफ्टेड टारगेट। मेरे एक शिष्य ने विदेश में पढ़ रहा था तो वहां जॉब करना 20 घंटे का जॉब करना अनिवार्य है एक वीक में। हट मेरे जीवन में स्टूडेंट्स के लिए 20 घंटे का जॉब अनिवार्य नहीं कह सकता, यूं कहें कि उसके कुछ आप लाते हो तो उसके पॉइंट्स आपकी डिग्री में काउंट होते हैं। तो मैंने कहा यार तू इमोशनल है, तू अभी टारगेट पे ध्यान रख, अभी तेरा एग्जाम आ गया, ये काम मत कर। उसने कहा कि नहीं सर, अगले महीने मुझे छुट्टी आना है और मुझे एक मेरा छोटा भाई है उसके लिए बढ़िया वाली टी शर्ट खरीदनी है और उसके लिए जूते खरीदने हैं, इसलिए मैं काम करूंगा। तो ये कमाना, लेकिन किस लिए कमाना? इमोशनल टारगेट को साथ लेकर के। छोटी बातें बहुत बड़ा सिखाती हैं जीवन में, आपको सीखना पड़ेगा। बहुत अच्छे से जीवन में अगली बात है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सब जीवन बदल देता है। मैं बार बार एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, लेकिन मेरा एक विद्यार्थी है सोहनलाल, जो अभी राजस्थान के डर में आईएएस है, बहुत से प्रिय विद्यार्थियों में से वो एक है। उसने मुझे कहा कि सर आप कभी कभी बातों में बहुत कुछ सिखाते हैं। मैंने कहा कैसे? बोले अपने वाली जो नई बिल्डिंग, पहली बिल्डिंग जो बनी थी उसमें ऐसे पहले तो टिन छप्पर और ऐसे स्कूल चलता था, उसमें पढ़ा था। तो लास्ट बेंच में जब मैं था
हमारा लास्ट टाइम चल रहा था तो हमें इसमें पढ़ने का मौका मिला, और आप उधर से राउंड करके आए और वो इतने सुंदर थे, उनमें कहीं पीक सुखा हुआ था किसी बच्चे का, और आपने आते ही उस दिन संध्या में इस पे लेक्चर दिया था एक, उसने मेरा जीवन बदल दिया। जीवन को बदलने में वो कहीं ना कहीं काम में आया। मैंने कहा कैसे सोन? बोले आपने कहा था कि यार ये पीक थूकने वाले, एक साफ जगह पे यदि किसी विद्यार्थी ने ये पीक थूका है तो इसका मतलब उस विद्यार्थी के जीवन में नेगेटिव थॉट चल रहा है। हाँ कहीं माना कि पीक थूका हुआ है तो भी नहीं थूकना चाहिए, लेकिन थूक दिया वहां की बहुत सारा पहले से भी थूका हुआ है तो भी ठीक है, वो सोसो है, सामान्य सा आदमी है। लेकिन मैंने कहा ये नेगेटिव थॉट का कोई स्टूडेंट है और ये जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा बेटा। दूसरे दिन गया तो भी था, मैंने कहा यार जो पॉजिटिव विद्यार्थी हैं, जो अच्छा सोचते हैं, उनका काम है इसको पकड़े और मुझे बताएं, नहीं तो क्या इस सेक्शन के या इस ए सेक्शन के जो स्टूडेंट हैं वो मुझे थोड़ा सा अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो ए सेक्शन के बच्चों के पास ही टॉयलेट ब्लॉक था। तो वो चार पांच बच्चे थे, उन्होंने पकड़ करके मुझे चुप से कान में आके बताया कि ये सर स्टूडेंट है, ये करता है ये काम। मैंने उनका नाम नहीं बताया, उस स्टूडेंट को मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर देख करके बताया कि बेटा ये तो काम अच्छा नहीं कर रहा है। खैर इस एग्जाम्पल से मैं क्या सिखा रहा हूं, स्टूडेंट लाइफ में भी ये होता है। ये अनुशासन जब सीखना हो तो कभी आर्मी के स्टूडेंट से सीखना। कल परसों ही ये बात मैंने सीखी थी, एनडीए के चार पांच बच्चे थे, वो ट्रेनिंग के बाद वापस आए थे तो स्कूल में आए थे तो उनका सेमिनार ले रहे थे। एक बच्चे ने कहा कि सर हमारे वहां पर सब काम लाइन लग के करना होता है, एक विंग होती है उसमें जैसे 100 हम ट्रेनर हैं तो 100 एक साथ, यदि कोई सोया हुआ रह गया या कोई एक स्टूडेंट उनमें से मिस रह गया तो हम पूरे 99 को भी सजा बराबर की मिलती है। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है। बोले थोड़ा सा सर अनुशासन सिखाने के लिए हमारे दृष्टिकोण से हमें भी लगता था, लेकिन ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हमें लगा कि ये हमारे लिए ठीक था। इसको थोड़ा सा मैं धीरे समझाऊंगा बात को। मैंने कहा कैसे? बोले वो ऐसे था कि वो अकेले लगते तो हम रोज कोई ना कोई एब्सेंट रह जाता तो उसी को सजा मिलती तो हम तो उसके मजे देखते और हमारा टाइम खराब होता। बात पकड़ रहे हो क्या? हमारा टाइम खराब होता तब तक वो नहीं आता, तब तक आगे का काम नहीं होता, हमारा रोजाना टाइम खराब होता। सीओ साहब ने यह समझाया, खैर उनकी प्रक्रिया होगी डिसिप्लिन सिखाने की, कि सबको पनिशमेंट दो भाई। तो हम ढूंढ ढूंढ के अरे कौन सा नहीं आया, कौन सा नहीं आया। जो एक विंग के पूरे जाते थे तो हमारी खुद की अटेंडेंस हम खुद ही ले लेते थे, अरे वो उसको उठा के ला, वो नहीं उठेगा तो मरवाएगा, अभी उसको उठा के ला, उसको उठा के ला। जो आलसी हमारे विशेष जो ट्रेनर होते थे, हम एक दूसरे अनुशासन में आ गए। सर ये हॉस्टल लाइफ के स्टूडेंट्स जो है ना उनको समझाता हूँ यार, अपने आसपास नेगेटिव को बचाते हो, इनडिसिप्लिन पर्सनैलिटी को आप यदि बचाते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, कैमरे हैं, कैमरे के तार किसी ने काट दिए, उस विंग के सब स्टूडेंट यार क्या किया उसने, कोई अच्छा काम किया क्या? उस विंग के सभी स्टूडेंट प्रेशर में है, आपको पूछा भी जाएगा, आपका समय भी खराब होगा, आपको दो बात कही भी जाएगी, ये क्या है? नल को टूटी को तोड़ दिया, पानी बह रहा है, अरे जली जीवन है यार, ये क्या है? आप गुस्सा निर्जीव चीज पे उतार के अपने आप को यार सामान्य समझ रहे हैं, किसी का उससे सोच रहे हैं कि जीवन में किसी का नुकसान कर दिया तब आप अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, क्या है ये? ये जीवन नहीं है। इस बात को गंभीरता से सोचना बेटा, गंभीरता से सोचना। दो चार बच्चों का इस पे चिंतन थोड़ा सा आगे पीछे जा रहा है। ये डिसिप्लिन क्योंकि इसके बाद भी जाकर के कहीं भी रह रहे हो आप,
उसके बाद भी जाके हॉस्टल में भी रहना पड़ेगा, पीजी में भी रहना पड़ेगा, हर स्थिति परिस्थिति में आपको रहना पड़ेगा। सीख जाए, बात को गंभीरता से सुनना बेटा। यदि आप इनडिसिप्लिन्ड हो, या आपका साथी, या आप जिस इनडिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी को देख रहे हैं और आप उसको स्वीकार कर रहे हैं मन में, तो इसका मतलब उससे आप सीख रहे हैं, उसको आप नहीं सिखाना चाह रहे हैं। बात समझ रहे हो, गंभीर है। बात यह है कि आपको आपकी क्लास से ऊपर का हाई मैच्योरिटी लेवल पे आना पड़ेगा। ऐसा जीवन में सोचने के लिए यार सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और उसमें इतना ही सोचना है कि यदि मेरे कर्म से, मेरे वचन से, या मेरी छोटी सी गलती से एक चींटी भी मरती है जानबूझ के, तो ऊपर वाला देख रहा है, खाते में लिख रहा हो, वो तो स्कैनिंग करता ही है। किसी न किसी को तो अपना इष्ट मानते हो यार, जानबूझ के सोच से या शरीर से किसी का नुकसान पहुंचाने की, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है यार, आपको क्यों नुकसान पहुंचा रहे। ये अनुशासन वाली बात थोड़ी सी गंभीर है, ये मैं हमेशा कहता हूं। थोड़ा सा बेटा मेडिटेशन पे आ जाए, सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। आप अपने आप को, ये मेरी सलाह है, आप ये मत सोचना कि मेरा टाइम खराब हो रहा है। जो भी विद्यार्थी IIT की तैयारी कर रहे हैं, आपकी यदि पावर ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ानी है, तो आप 15 मिनट कुछ से नहीं करना ध्यान मुद्रा में, आपका एक दिन ध्यान नहीं लगेगा। आप सांस को आते जाते गिन लो यार, ये आ रहा है जा रहा, शुरू में आ रहा जा रहा। 15 मिनट दे दो आप अपने अंदर इतना झांक के देखने लग जाओगे। दुनिया को देख रहे, अंदर नहीं देख रहे अपन। आप अपनी इंटरनल इंजीनियरिंग को अपन करना नहीं चाहते हैं। यह सुधार, यहां मेरा एक सजेशन है कि आप मेडिटेशन को इतना अपना लें कि 15 मिनट निकालना शुरू कर दें। 15 मिनट अकेले में बैठ के, या 24 घंटे में 15 मिनट आपके पास नहीं है, क्योंकि IIT डॉक्टर इंजीनियर या कुछ भी बनना है, उससे पहले इंसान बनना है, यह तय करेंगे तो सब कुछ बन जाएंगे। एक शैतान के अंदर यदि डॉक्टर है या इंजीनियर है, उससे बड़ा इस धरती का दुष्ट आदमी नहीं हो सकता। एक शैतान के अंदर यदि शिक्षक है, तो उससे बड़ा कोई दुष्ट आदमी नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं एक इंसान के अंदर यह गुण है, दूसरी भूमिका जो ईश्वर ने दी है, उसका निर्वहन करने की शक्ति उसमें आ जाती है, तो उससे बड़ा कोई भगवान नहीं हो सकता। एक अच्छे इंसान में डॉक्टर हो, भगवान है ना वो। एक अच्छे इंसान में यदि शिक्षक हो, भगवान है ना वो। लेकिन एक शैतान में यदि शिक्षक है, तो अपने स्वार्थ के पेटे आपको इस तरह से जलाकर राख कर देगा कि आपको समझ में नहीं आने देगा। ये स्कैनिंग मशीन एक स्टूडेंट के पास नहीं है, तो जीवन में आप बड़ा नहीं कर पाएंगे बेटा। बस पहले इंसान बनना, और इंसान बनने के लिए आपके पास मेडिटेशन हथियार है। आज आप 15 मिनट करना शुरू कर दें। क्या कह रहे हो आप? आपका 12th, आपका टारगेट, आपकी IIT, आपकी NIT, आपका डॉक्टर, आपका इंजीनियर, ये कोई टारगेट है? ये बहुत छोटे टारगेट रह जाएंगे। आप अपने अंदर अपने आप को पहचानने लग जाएंगे, तो आपके अंदर की अंदर एक तो मन है, एक आत्मा भी तो है ना, आपका सॉइल, उसकी कनेक्टिविटी सीधी उसके साथ है। और आपकी बात जब उससे होने लग जाएगी, तो आपकी बात ये समझ लो कि वो माध्यम है, उसकी बात सीधी उससे हो रही है, आपकी बात सीधी उससे हो रही है, ऊपर वाले से। और जब यह कनेक्टिविटी हो जाती है, तो जीवन के सब संकट दूर हो जाते हैं। मिशन तो यही है ना, कि जिसने बना के भेजा उससे कनेक्टिविटी नहीं टूटे। एक प्लेन उड़ती है अपने आप, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं धरती से भी क्या है, यदि वो ATS के सिस्टम से बाहर निकल जाए तो क्या हो जाए, जीवन तबाह हो जाए।
तो ये एटीएस सिस्टम है, और एटीएस सिस्टम में लाने के लिए आपको 15 मिनट अपने एटीएस सिस्टम को देखना पड़ता है कि मैं जहां उड़ान भरना चाह रहा हूं वो क्या वैसे ही चल रही है प्लेन, ऑटो पायलट मोड पे चलती है प्लेन एक ऊंचाई पे जाने के बाद, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन फिर भी वो एटीएस के कंट्रोल में होती है, आपकी आत्मा के कंट्रोल में होती है। आपके जीवन की उड़ान भी ऑटो पायलट मोड पे रख सकते हो आप, बस उसके एटीएस के सिस्टम में रखो, और रखने का तरीका आप मेडिटेट हो जाओ। जरूरी नहीं आपको समय मिले 15 मिनट कहीं भी आप मग्न होकर के, सबसे पहले अपने सांस गिनना शुरू कर दो, फिर आपको अंदर सब कुछ दिखने लग जाएगा यार। जरूरी नहीं है ध्यान मुद्रा में बैठे, जरूरी नहीं आप कहीं भी बैठे बैठे सोचने लग जाते हो। मेरी एक आदत है, जैसे ही मैं उस मुद्रा में आ जाता हूं, मैं उस मुद्रा में नहीं बैठ पाता, मैं बाल को ऐसे करने लग जाता हूं, तब मुझे मेरे घर वाले जो होते हैं वो अलग कर देते हैं, हाँ ये कुछ अलग जोन में आप। तो अपना एटीएस सिस्टम फिक्स और सिस्टमेटिक बना लो, आप जीवन में कभी हारोगे नहीं। कितनी बातों पे बोल गए, डिसिप्लिन वाली थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन ये बेटा अच्छी है क्योंकि आज आपका फंडे है यार। आपको देखो, एक व्यक्ति को किससे जाना जाता है, हो सकता उसकी पहचान नाम से हो, लेकिन व्यक्ति का सम्मान उसके कर्म से होता है। नाम से सिर्फ पहचान हो सकती है। आपके जाने के बाद भी याद रखें कि लाने जी आपके सर का सभी एग्जाम्पल दे कि यार ऐसा स्टूडेंट था जिस हॉस्टल में रह रहे, जहां कहीं भी रह रहे यार, वो विद्यार्थी था, ऐसा स्टूडेंट था, मुकाबला नहीं है उसका। जब आपकी अनुपस्थिति में आपका नाम लेकर के आपकी उपस्थिति को कोई दूसरा दर्शाता है, इससे बड़ा जीवन की कोई उपलब्धि नहीं है रहा आपके लिए। और उसको कमाने के लिए बोरी नहीं खींचनी पड़ती है, उसको कमाने के लिए हथौड़े से मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसको कमाने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है। अब अगले पॉइंट पे आ रहा हूं, बड़े सोचने के कोई पैसे नहीं लगते रहे, छोटी सोच और पैर में मोच ये जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है। हल्का सोचोगे तो हल्का मिलेगा, आपके हल्की सी भी चोट है ना तो एक धावक उस दौड़ को जीत नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। कितने बड़ा धावक हो कि छोटी सी चोट हो, और यदि पूरे जीवन की सोच में यदि थोड़ा सा भी छोटापन ओछापन नीचापन आ गया, वो आपके लक्ष्य को निश्चित रूप से पूरा प्राप्त नहीं करने देगी। सोच बड़ी और एक फिक्स चिंतन एक आपका फिक्स होना चाहिए, आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। सिंपल एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको बेटा, कभी आप ट्रेन के स्टेशन पर गए, जाके उसको कहते हो कि टिकट दे दो, कहते हैं, अगला क्या पूछता है, कहां की दूं, क्या आप उसको कहते हो कहीं की भी दे दो, बताओ क्या करोगे उस टिकट का, बैठ गए पहुंच गए, कुछ नहीं बताया, जितने पैसे थे उसकी टिकट दे दी, क्या करोगे उसका। वो आपका स्पेसिफिक गोल नहीं हुआ, और आप उससे कहोगे टिकट दे, आपको फिर पूछेगा कहां की दूं, आप कहोगे अमृतसर की दो, इसका मतलब आपका स्पेसिफिक टारगेट हो गया, तो वो गोल फिक्स हो गई तो आप पहुंच सकते हैं। तो जो कुछ जीवन में बनना चाहते हैं उस गोल को बड़ी सोच के साथ अपनी आंखों के सामने रखो, रहे चिपका के जीवन में बड़ी सोच के साथ, छोटा नहीं सोचना उसमें। बेटा जिंदगी में कभी भी आप हारोगे नहीं, आप बन जाओगे, और जीवन बनने की प्रक्रिया में ये सब चीजें शामिल यदि कोई कर लेता है तो इंसान बन जाता है, और इंसान के अंदर यदि कर्म को करने की क्षमता आ जाती है तो बड़ा आईआईटी भी नहीं होता, बड़ा एनआईटीएन भी नहीं होता, बड़ा शिक्षक भी नहीं होता, और होते हैं तो सब बड़े होते हैं, चाहे एक काम करने वाला छोटे से छोटा कर्मचारी। मैंने जहां काम किया वहां पे एक महिला पियोन हुआ करती थी, बचपन में उनके आप सुनना कितनी महान थी,
बचपन यूं कहूं कि बहुत अर्ली एज में उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उस बेटे के बचपन में, उनका जो बेटा था उसके बचपन में पिता चले गए, बहुत अर्ली एज थी वो तो महिला पियोन थी, एग्जाम्पल दे रहा हूं। आज भी मैं आपको मिला सकता हूं उस देवी से जिसने मुझे कुछ सिखाया। बस वो चाहती तो पात्र इस बात की हो सकती थी कि ये टेंशन में रहती है, मैं इनको काम कम बताऊ, जीवन गुजर जाता। मैंने मेरे उस कार्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा ईमानदारी से कर्म करने वाली उस महिला को पाया। टाइम पे ड्यूटी चाहना, पूरी सफाई को ईमानदारी से करना, सब काम को ईमानदारी से करना। मैंने जब उस महिला की खोजबीन की, मेरी मां की कसम खा के कह रहा हूं, शुद्धता से यदि बात नहीं करूं तो ईश्वर मुझे जो शक्ति दी है वो छीन लेगा। मैंने उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि को टटोला तो उस गुदड़ी के लाल को पाल करके उसने IIT बना दिया रे। ताली बजाओ उस महिला के लिए एक बार। और खुद देखो, खुद उस समय 10th पास थी, उसके हस्बैंड एक्सपायर होने के बाद में मैं व्यक्तिगत रूप से मिला सकता हूं, एक दिन इस मंच पे लेके आऊंगा मैं उनको। किलाने जी मुझे याद दिलाना कभी उस महिला को मंच पे लाके मैं परिचय कराऊं। सुनना अगली बात, कॉन्फिडेंस कहां से आता है मेरे जीवन में जो आया कि यार अपन खास चुनौतियों का सामना कर रहे हैं क्या। उस महिला जो 10th पास थी उसने प्राइवेट बीए किया, वो जो टीचर्स हम जो वहां होते थे सबसे पूछ पूछ करके प्राइवेट बीए किया, सब डिग्रियां प्राइवेट ले लेकर के पढ़ पढ़ करके सब जो महिला टीचर होती थी उनसे पढ़ करके और उसने अपना प्रमोशन लिया और लिपिक बन गई वो। बहुत जोरदार ताली बजाओ उसके लिए। उस महिला के आंखों में जब लिपिक बन के उनका प्रमोशन हुआ तो उनको दूसरी जगह जाना पड़ा, तो जितना श्रद्धा भाव सब लोगों में था और उस महिला के जो खुशी के आंसू थे जीवन में, 20 साल वो एक ही जगह नौकरी की थी, 15-20 साल उन्होंने, उस महिला की आंखों में सम्मान के जो आंसू थे और हम सब लोगों को ये लग रहा था कि जीवन में इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं बेटा, ईश्वर जितना आपसे छीनेगा उससे यदि आप कर्मशील रहोगे तो इसी जीवन में दुगना तो करके देगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं चश्मदीद हूं इस बात का। तो किस बात से डरना है यार, कुछ छीन रहा तो भी आप अपने चिंतन को सही रखें, आप अपने साथ अपना आंकलन सही रखें और अपने कर्म को ईमानदारी से करते जाएं, आपको कोई नहीं रोक सकता। चिंतन सही होना चाहिए, यहां से कान से पक्के होने चाहिए। मुंशी प्रेमचंद एक बात कहा करते थे, चिंतन पे और बोल रहा हूं अंतिम बात, खुद का चिंतन और आंकलन। मुंशी प्रेमचंद एक बात कहा करते थे, कोई भी व्यक्ति भला या बुरा नहीं हो सकता, हाँ हर एक व्यक्ति भला और बुरा हो सकता है, अनुपात का अंतर हो सकता है इसमें, उसमें अच्छाई कम हो सकती है, बुराई ज्यादा हो सकती है। देखने वाले नजरों में क्षमता चाहिए, आंकलन करने की क्षमता चाहिए कि यार ये व्यक्ति चाहे मेरा दुश्मन क्यों नहीं है लेकिन इसमें इन 3-4 बातों में अच्छाई है, इस पर मैं सहमत हूं। यार आप तो खराब ही साबित कर दिया उसको, दुश्मन है तो खराब ही साबित। और कोई एक व्यक्ति आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो, उससे भी आपकी असहमति होनी चाहिए कि यार ये सब चीजें तो इनमें सही हैं, लेकिन ये इनमें गलत बात है, हो सकता है, तो जीवन के झगड़े ही खत्म हो जाते हैं। कोई व्यक्ति किसी के लिए सही हो सकता, किसी के लिए गलत हो सकता, उसके कर्म उसके साथ सही नहीं जुड़े हुए। आपका आंकलन मशीन सही होनी चाहिए, आप यदि कर्म में सत्य हैं तो आपके साथ कोई कभी बुरा नहीं कर सकता। निश्चित रूप से बेटा, आप यदि इन सब बातों पे, कितनी बातों पे सोचा अपन ने बता दो, देखे आज की सेमिनार याद करवा के जाना चाहता हूं मैं आपको। पहला, भूल गए, इग्नोर करना सीखें। दूसरा, खुद पे नियंत्रण। तीसरा,
चुनौतियों का सामना करना। चौथा इमोशनल टारगेट, टारगेट नहीं इमोशनल टारगेट बना लो बेटा, फनी फनी आपका टारगेट प्राप्त होगा आपको। इंजॉय करते करते जीवन में कठिनाइयों का सामना करने में भी मजा आता है यार। बहुत थक करके जब आप सोते हो ना तो वो नींद इतनी अच्छी होती है कि आप सोच नहीं सकते। अगला बढ़िया हो गया, नंबर कम आ गए, उसको तो पूरा मजा आ गया, वो टेंशन में नहीं आएगा जिंदगी में। देखो देखो मैं बता देता हूं, जो भी बोला ना जोर से पकड़ गया मेरी बात को, तू पकड़ गया। वो कहते हैं जैसे वैसे मन गया मेरा तो वैलेंटाइन डे यार आज तेरे साथ। चलो मुझे इस बात की गारंटी दे सकते हो ना, जितने विद्यार्थी बैठे हाथ खड़ा करके, जीवन में कुछ पाए या खोए, किसी मोड़ पे मिले या नहीं मिले, लेकिन ये व्यक्ति ये विद्यार्थी कभी जीवन में डिप्रेशन में नहीं आएंगे। हाथ खड़ा करो मेरे साथ, जिंदगी में, जिंदगी में डिप्रेशन में नहीं आएंगे। क्या हो गया, जोर से बोलो यार, मजा नहीं आया, और जोर से बोलो। बस अब बेटा शटर, किसी दुकान का शटर डालते हैं तो दो प्रकार से होता, एक तो कम वजन वाला तो उसके लुमट जाए स्प्रिंग सही होती, बहुत जोर से लगाना पड़ता ना, और एक होता है ऐसे खटक ऑटोमेटिक टक बंद क्लोज ओपन होता ना। अपने जीवन का शटर भी ऐसे लगा लो रहा, फन दे मजाक करनी है, मनोरंजन करना है, इंजॉय करना है, शटर। लेकिन अब मुझे 3 घंटे क्लास में पढ़ना है तब शटर कौन सा बंद, इंजॉय वाला बंद और ये वाला शट ओपन। एक बार में एक शटर खुला रखो आप, बात को पकड़े कि नहीं पकड़े। तुम बैठे देखो एक काम करते हो, पिक्चर देखने जाते हो ना तब तो सब शटरों को तुरंत, 3 घंटे में किसी को छींक भी आती है क्या, और इसका मतलब बदमाश हो तुम। और पढ़ने बैठते हो तो क्या कहते हो, गुरुजी मन नहीं लग रहा, रो तेरी वो मनोरंजन वाला शटर खोल रखा थोड़ा सा। एक बार में एक काम ये सीख जाएं, और स्टूडेंट लाइफ में सीखे तो मजे ही मजे हैं बेटा। पिक्चर देखने जाओ तो छींक भी नहीं आता, कुछ याद आता है क्या कि नानेरा हो जरा मुझे को छोटो जना नानेरा मियां कर तो पढ़ता टाइम क्यों याद आता रहे, मारवाड़ी समझ रहे हो कि मेरी, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, शटर खुला रहता है। बस अब आप मजा करोगे, इन सब बातों को याद रखना है और कल से लगना है। एक बात बता देता, कल से शायद बोर्ड की क्लासेस शुरू हो रही है, सभी की बोर्ड की क्लास शुरू हो रही है कल से। अब इसके लिए बेटा बात करूंगा, बेटा जो तो बोर्ड की तो तैयारी करने लगेंगे ना, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है उनको तो, इनसे भी हाँ बढ़िया हो जाएगा। उसमें बढ़िया कैसे हो जाएगा, अरे जिस रास्ते से राजस्थान बोर्ड के तो पहला विद्यार्थी आकाश चौधरी जो पिछली बार था, उसकी सब कॉपियां अपने पास, जिससे वो 99% लेके आए, सबसे सबकी कॉपियां अपने पास। ये देखो कैसे लिखता है था वो, इसने कैसे लिख के आया, तो अपन सीख जाएंगे। दूसरा स्टूडेंट उसकी कॉपी अपने पास, सब कॉपियां। अब बेटे मजे मजे, मतलब देखो मैं थोड़ी सी बात गंभीर भी करूंगा, तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, बोर्ड क्लास के स्टूडेंट
बिना टेंशन लग जाना, अब आपके साथ एक नवजीवन की टीम काम करेगी अनुशासित रहते हुए। वो सिलेबस सब कुछ आपका किया हुआ है, उसको बोर्ड पैटर्न पे वो समराइज करेंगे पूरे और श्रद्धा और विश्वास के साथ, अनुशासन और डिसिप्लिन के साथ। क्योंकि बेटा कोचिंग के और स्कूल के डिसिप्लिन में थोड़ा फर्क होता है, कोचिंग में थोड़ा सॉफ्ट और सॉफ्ट हो जाते हैं टीचर्स वगैरह लोग, और वहाँ वो थोड़ा सा डिसिप्लिन उनका थोड़ा तल्क होता है। तो पूरी डिसिप्लिन में वो एक डेढ़ दो महीने में आपका काम वो भी निपटा देंगे, तो उसकी भी चिंता। कल से जो बोर्ड क्लासेज के स्टूडेंट लगेंगे तैयारी करने में, वो पूरी मनोयोग के साथ लग जाएं, निश्चित रूप से उनके साथ बहुत अच्छा होगा और बहुत जल्दी से वो काम कर दोगे। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, आईआईटी की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी पहले रहे थे उनसे पूछ लेना, जो आगे भी आएंगे उनके लिए भी बात कर रहा हूं मैं, कि इसके साथ ट्वेल्थ का सिलेबस निपटाने का जो तरीका कौटिल्य के पास है, क्योंकि नवजीवन की वो टीम भी उसके साथ जुड़ती है अंतिम समय में, वैसा कॉम्बिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ईमानदारी से थोड़ी सी उस पर भी मेहनत कर लेना, ट्वेल्थ के विद्यार्थी वहां भी अच्छा होगा। ये सब काम आपको ईमानदारी से करने हैं। किलाना जी आपसे बात कर रहे थे, आपका सिलेबस यदि आगे पीछे जैसे भी चल रहा है उसको समराइज करके सिस्टमेटिक करने का आप थोड़ा सा बड़ा सोचें। जय हिंद, जय भारत।